गुड मॉर्निंग हेमांग सर, स्वागत है आपका। शुरुआत आप करें सर, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीपांशु एंड पैनल मेंबर्स। मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है कैंप्स। उसका जो प्राइस टारगेट है वो 3,400 का है। कैंप्स बेसिकली कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई एक कंपनी है जो कि रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड का काम करती है। लगभग ऑलमोस्ट 69-70% का मार्केट शेयर है और जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है उसका सीधा फायदा ये कंपनी को मिल सकता है। और उसके अलावा जो दो नए बिजनेसेस जो है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी और एक अकाउंट एग्रीगेटर, तो ये जो डिजिटल साइड पे जो बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें भी ये दो बिजनेसेस के कारण ये कंपनी को बड़ा फायदा मिल सकता है। कल अनिल जी एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, ऑलमोस्ट अबाउट 10% इक्विटी चेंज हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से निवेश करना चाहिए। टारगेट रहेगा 3,400 रुपए। पोजिशनल पिक अनिल जी मैंने टायर स्पेस से ली है। उसके दो रीजंस हैं, एक तो ये है कि जो ऑटो सेक्टर है उसमें टू व्हीलर में भी बहुत अच्छा हमने ग्रोथ देखा है, तो OEM और जो रिप्लेसमेंट डिमांड है उसमें एक अच्छा अपटिक देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है अनिल जी कि क्रूड के जो दाम घटे हैं उसका भी जो फायदा है वो टायर कंपनी को मिलेगा। जो थोड़ा सा पहले लोगों को डर था कि मार्जिन प्रेशर रहेंगे, तो उसमें भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो सीएट जो है वो मेरी पिक रहेगी और मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट प्राइस है वो लगभग 10-12% का अपसाइड यहाँ से देख सकता है। तो लगभग 2600 के टारगेट के लिए सीएट लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म पिक मैंने फर्टिलाइजर सेक्टर से ली है और उसके दो तीन कारण है। उसमें एक तो ये है कि जो गए क्वार्टर में इन्वेंटरी रिलेटेड इश्यूज थे वो ये तिमाही में रिजॉल्व हो चुके हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो नैनो यूरिया फर्टिलाइजर की क्लियरेंस काफी कंपनीज को दे दी गई है, तो हमें लगता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एक अच्छा उसका प्रभाव पड़ सकता है। मेरी पिक है RCF जिसका करंट प्राइस है लगभग 135, टारगेट रहेगा 150। तो जैसा मैंने कहा कि ये क्वार्टर में काफी अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और पोटैश के अंदर इंपोर्ट रिलेटेड भी एक डेवलपमेंट आई थी जिसका फायदा फर्टिलाइजर कंपनी को आ सकता है। तो RCF में शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से निवेश करें, टारगेट प्राइस रहेगा 150।